हेलो स्टूडेंट वेलकम टू एथ क्लास मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस टुडे आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज टू पॉइंट टू ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रोडक्शन कल हमने क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स किए थे आज हम क्वेश्चन नंबर सेवन स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेवन द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ एट इज ट्रिपल एट ओके थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल का सम क्या है ट्रिपल एट है ठीक है नी मल्टीपल ऑफ एट जो हर जो कॉन्जिक्यूटिव है वो एट के साथ मल्टीप्लाई है तो वो क्या आएगा रिजल्ट क्या है ट्रिपल एट फाइंड द मल्टीपल वो मल्टीपल्स निकालना है वो वेरिएबल निकालना है जो एट के साथ मल्टीप्लाई है और क्या वो थ्री कॉन्जिक्यूटिव है नंबर वाई थ्री है स्टार्टिंग में जैसे हमने यहां पे देखो लेट थ्री कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ एट इक्वल टू फर्स्ट हो गया हमारा एट एक्स मतलब वो वेरिएबल है एट वो वेरिएबल है एक्स और जो मल्टीपल क्या है एट एट के साथ मल्टीप्लाई है वो अब हो गया हमारा एट एक्स ठीक है सेकंड क्या हुआ एक्स प्लस वन ठीक है ये कॉन्जिक्यूटिव सेकंड नंबर हो गया एक्स प्लस वन तो मल्टीप्लाई क्या है एट तो ये हो गया हमारा एट ब्रैकेट में एक्स प्लस वन अब थर्ड क्या है हमारा एक्स प्लस टू कॉन्जिक्यूटिव कौन सा हो गया हमारा एक्स प्लस टू तो इसने क्या कहा मल्टीपल बाय एट वो एट के साथ मल्टीप्लाई है मतलब थ्री है हमारे ठीक है कॉन्जिक्यूटिव तो थ्री के थ्री एट के साथ मल्टीप्लाई वह एट एक्स एट इस एक्स प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई है एट हमारा एक्स प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सभी का जो सम पे क्या लिखा हुआ सम तो क्या आएगा ट्रिपल एट तो सभी को हम ऐड करते हैं थ्री कौन सीट हमारे पास एट एक्स प्लस एट ब्रैकेट में एक्स प्लस वन प्लस एट ब्रैकेट में एक्स प्लस टू तो क्या आया हमारा इक्वल टू ट्रिपल एट ठीक है थ्री के थ्री नंबर को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ट्रिपल एट आता है ओके अब देखो ये जो एट है हमारा मल्टीप्लाई है थ्री के साथ है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अच्छे से एट और एक्स की मल्टीप्लाई एट एक एक्स प्लस एट एक की हम अंदर एक्स प्लस वन है इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो एट को हम पहले एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं फिर वन से ये हो गया हमारा एट एक एक्स प्लस एट एक को वन से किया तो एट प्लस अब ये देखो एट को इस एक्स के साथ करते हैं एट एक्स प्लस अब एट को टू के साथ करते है एट टू जा देखो टेबल यूज हुई नहीं तो टेबल भी अच्छे से याद करते हैं तो हो गया हमारा एट जा टू जा सिक्सटीन इक्वल टू ट्रिपल एट अब हम जो ये एक्स वाली टर्म है इसको इकट्ठी कर लेते हैं ठीक है और ये इंटीजर को हम अलग कर लेते हैं एट एक्स मतलब आगे पीछे लिखो एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता एट एक्स प्लस एट एक्स प्लस एट एक्स ये थ्री के थ्री एट इकट्ठे लिख दिया हमने प्लस ये हो गया हमारा ये वाला एट एट प्लस टू ट्रीपल एट एक्स प्लस एट एक्स कितने ट्वेंटी फोर एक्स प्लस और सिक्सटीन और एट कितना हो गया ट्वेंटी फोर इक्वल टू ट्रिपल एट अब हमें निकालना क्या है एक्स की वैल्यू तो एक्स के साथ जो भी है सबको साइड करते जाएंगे पहले हम ट्वेंटी फोर एक्स यहीं पर रखते हैं और जो ट्वेंटी फोर है इसको हम इक्वल टू के राइट साइड लेके जाते हैं ठीक है ये यह यहीं पे है इक्वल टू ट्रीपल एट माइनस ट्वेंटी फोर ये हो गया हमारा एट सिक्सटी फोर इधर बचा हमारा ट्वेंटी फोर एक्स अब हमें चाहिए क्या एक्स की वैल्यू तो ट्वेंटी फोर को भी साइड करना है ठीक है पर इक्वल टू से इस साइड है और मल्टीप्लाई है एक्स के साथ मल्टीप्लाई तो है इक्वल टू से इस साइड तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो एट सिक्सटी फोर बाय ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर से काटेंगे तो आ गया थर्टी सिक्स एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी थर्टी सिक्स जो वेरिएबल है ठीक है अब इसको हम जो थ्री के थ्री कॉन्जिक मल्टीपल थे हमारे सभी के साथ वैल्यू पुट करते हैं ठीक है दस द रिक्वायर्ड मल्टीपल्स ऑफ एट क्या थे हमारे एट एक्स ये था हमारा एट एक्स तो एट मल्टीप्लाई X की वाली थर्टी सिक्स होगा एट मल्टीप्लाई थर्टी सिक्स ये क्या था हमारा एट एक्स प्लस रख दिया हमने थर्टी सिक्स वन थर्टी सेवन ये था हमारा एट एक्स प्लस टू थर्ड नंबर था हमारा ये एक्स की जगह रख दिया हमने थर्टी सिक्स अब देखो थर्टी सिक्स और एट की मल्टीप्लाई की यहाँ पे एट की और थर्टी सिक्स प्लस वन थर्टी सेवन ठीक है ये इसकी मल्टीप्लाई की अब थर्टी सिक्स प्लस टू थर्टी एट थर्टी एट और एट की मल्टीप्लाई अब ये आ गया हमारे टू एटी एट टू नाइनटी सिक्स थ्री हंड्रेड फोर ओके ये क्वेश्चन हो गया हमारा अब हम क्वेश्चन नंबर एट करते हैं क्या दिया हुआ है थ्री कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इसमें भी थ्री कॉन्जिक्यूटिव दिए हैं आर सच दैट वेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या बोला है? इसने इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते क्रम में एंड मल्टीप्लाइड और मल्टीप्लाई किया है बाय टू टू के साथ मल्टीप्लाई किया है थ्री के साथ एंड फोर मतलब फर्स्ट वाई टर्म को टू के साथ सेकंड वाई टर्म को थ्री के साथ थर्ड वाई टर्म को फोर के साथ ठीक है रिस्पेक्टिवली दे अप टू सेवेंटी फोर ठीक है नी दे एड और एड किया है अप टू सेवेंटी फोर तक मतलब एड करके हमारा रिजल्ट क्या आया है सेवेंटी फोर तो फाइंड दिस नंबर तो वे नंबर निकालने जो थ्री नंबर थे तो वो नंबर निकालने ओके लेट थ्री इंटीजर्स कौन से थे एक्स एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस टू ये हमारे थ्री कॉन्जीकेटिव नंबर अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या कहा है जो वेन दे आर टेकन इन इनक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाईड बाई टू जो फर्स्ट है हमारा ये एक्स इसको हमने टू के साथ मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई एक्स प्लस जो सेकेंड है उसको हमने थ्री के साथ मल्टीप्लाई सेकेंड क्या एक्स प्लस वन इसको थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया है और जो थर्ड है हमारा एक्स प्लस टू ठीक है ये इसको हमने फोर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो, तो टोटल क्या आया है जो उनका एड किया है तो क्या आया है सेवनटी फोर ओके अब देखो टू एक्स प्लस थ्री को अंदर वाली टर्म के साथ किया हमने अब टू एक्स प्लस थ्री को हमने अंदर वाली टर्म के साथ किया है थ्री एक्स प्लस थ्री को वन से किया थ्री प्लस ये फोर है बीच में यहां पे क्या है मल्टीप्लाई ब्रैकेट से पहले तो ये फोर अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई तो पहले हम एक्स के साथ करते हैं फोर एक्स प्लस अब फोर को टू के साथ फोर टू जा एट इक्वल टू सेवेंटी फोर ठीक है अब देखो पहले हम एक्स की टर्म को ऐड कर लेते हैं ये हो गया टू एक्स यहाँ पे है थ्री एक्स और ये हमारा फोर को एक्स के साथ क्या था फोर एक्स ठीक है नी एक्स थ्री बार था तो थ्री बार एक्स ये हो गया ये हो गया हमारा टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स हो गया हमारा नाइन एक्स ठीक है अब टर्म कौन सी बचते थ्री और एट थ्री और एट कितना हो गया इलेवन इक्वल टू सेवेंटी फोर नाइन एक्स निकाल लेंगे स्टार्टिंग में नाइन एक्स इक्वल टू सेवेंटी फोर ये इधर हमारा प्लस का है उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा सेवेंटी फोर माइनस इलेवन तो नाइन एक्स इक्वल टू सिक्सटी थ्री ठीक है ना फोर में से इलेवन गए सिक्सटी थ्री अब x क्या आया हमारा सिक्सटी थ्री बाय नाइन अभी नाइन यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा नाइन से गया ठीक है नाइन सेवन जा सिक्सटी थ्री आ गया सेवन तो x की वैल्यू क्या आ गई सेवन और थ्री कॉन्जिक थे हमारे से x प्लस वन एक्स प्लस टू तो थ्री के थ्री में हम x की वैल्यू रख देते x हमारा वेरिएबल है नहीं अब इसकी वैल्यू रख देता हमने निकाल लिया एक्स की वैल्यू सेवन आई तो इसमें रखा तो सेवन प्लस वन एट इसमें रखा तो सेवन प्लस टू नाइन ठीक है तो दस द रिक्वायर्ड इंटीजर्स इक्वल टू सेवन एट नाइन ओके अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करे शेयर करे सब्सक्राइब करे थैंक यू